हेलो फ्रेंड, देखिए ये हमारी श्नाइडर कंपनी की P3U20 रिले, P30, P10 और WAM57 जो रिले होती है, सब में एक तरीके से प्रोग्राम किया जाता है। इसमें आज आपको मैं जो है अर्थ होल्ड और ओवर करंट की सेटिंग कहाँ पे जा करके कर सकते हैं, उसको एनेबल डिसेबल कहाँ से कर सकते हैं, उसमें जो करंट की सेटिंग है कहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आप चैनल पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाले से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए ओवर करंट अर्थ होल्ड की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले डाउन बटन दबाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इसमें प्रोटेक्शन रिले का डिस्क्रिप्शन डिटेल यहाँ पे आ जाते हैं। डाउन बटन दबाएंगे तो इसका जो मेजरमेंट वाला है वो वाला पेज खुल जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी करंट चलता होगा यहाँ पे दिखा देता है। उसके बाद हम यहाँ पे डाउन बटन दबाते जाएंगे तो हम जाएंगे यहाँ पे प्रोटेक्शन में। तो प्रोटेक्शन में देखें यहाँ पे ये सब कुछ DR, डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्डर, रन आवर, टाइमर, ये सब कुछ यहाँ पे दिखा देता है। ये DI है और ये DO हो गया और ये प्रोटेक्शन हो गया। इसमें भी प्रोटेक्शन में नहीं जाना, तो हमें यहाँ पे देखिए सबसे इसके प्रोटेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आ गया ये ओवर करंट, ये फर्स्ट स्टेज ओवर करंट की। तो यहाँ पे ओवर करंट की आप सेटिंग कर सकते हैं। देखिए ओवर करंट की सेटिंग करने के लिए इसमें आप ओके बटन दबाएंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टेटस दिखाता है ये। तो अभी हम इसमें जाते हैं, बैक बटन दबाते हैं, ये बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी सेटिंग अभी 150 एम्पीयर पे हो रखी है। इसमें 600/1 की CT डली हुई है। तो हमने इसकी टेस्टिंग की थी तो 150 पे, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि सेटिंग 0.05 से स्टार्ट होती है, 0.05 से स्टार्ट होती है। तो उसकी सेटिंग उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 150 की सेटिंग कर रखा है, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं आपको सिखा देते हैं। तो चेंज करने के लिए ओके बटन दबाएंगे। तो ये देखिए वैल्यू इज नॉट एडिटिंग, प्रेस कैंसिल बटन। तो इसमें ऐसा इंटरफेरेंस आता है, तो आप ओके बटन दबाएंगे एक बार और उसके बाद आई बटन दबाएंगे। तो ये पासवर्ड पूछता है, तो पासवर्ड इसका 0002 है। तो 0002 चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए पासवर्ड, देखिए पासवर्ड आ गया। तो इसमें एंटर करेंगे, कंट्रास्ट वगैरह का यहीं से चेंज होने का आता है। देखिए पासवर्ड ओके करेंगे तो यहाँ पासवर्ड देखिए लिखा हुआ है। तो इस बटन से इधर जाएंगे, अब लास्ट वाला चेंज करेंगे, इसको 2 कर देंगे। अब बटन दो बार दबाएंगे तो 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए 1 और 2 ओके दबाएंगे तो यहाँ पे एंटर हो जाता है। देखिए एंटर हो गया है। उसके बाद आपको जो भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए आई पे गए, चाहे तो आप ये वाली वैल्यू चेंज कर सकते हैं, चाहे नीचे वाली वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आपको जिस कंडीशन में आपकी वैल्यू चेंज करनी है उस कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको चेंज करके दिखा देते हैं हम 150 को। पासवर्ड लगता है गलत डला था, तो यहाँ पे 0 कर देते हैं इसको, डाउन से 0 आ जाता है और इसको 2 कर देते हैं। ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसमें नीचे वाली चेंज होगी। ये देखें ऊपर वाली चेंज नहीं हो सकती, नीचे वाली होगी। तो देखें यहाँ से डाउन बटन से वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती है, मिनिमम 0.5 सेकंड हो जाता है और मैक्सिमम 5 हो जाएगा, मैक्सिमम 5 है। तो यानी 0.05 से 5 तक में आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अभी वही सेटिंग यहाँ पे कर, देखिए वैल्यू चेंज होती है यहाँ पे, इंक्रीज और डिक्रीज का दोनों का सिंबल आता है। तो यहाँ पे हम HAT जो हमारी सेटिंग थी 0.25 वो यहाँ पे कर देते हैं। देखिए इससे फास्ट चेंज होता है और इससे स्लो चेंज होता है। देखिए तो इससे स्लो चेंज होता है, देखिए तो 0.25 यहाँ पे इसको करके छोड़ देते हैं HAT। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है जो भी चेंज करने के, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए ये चेंज हो गई, ओके करेंगे, ये ओके हो गया। कर आपको कर्व क्या रखना है, कर्व की डिटेल आपको दिखा देते हैं। DT हमने इसमें सेट किया हुआ है, आप यहाँ पे DT, IEC, IEEE, IEEE2, IEEE2, RI, रिवर्स प्रोग्रामेबल 1, प्रोग्रामेबल 2, प्रोग्रामेबल 3। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाले कर्व आप इसमें सेट कर सकते हैं फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे DT किया, यानी कि डिफाइन टाइम, तो हम इसको DT रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइप,
टाइप में यदि आपने डी टी किया तो यहाँ पे डी टी लिखा था, यदि आपने यहाँ पे चेंज किया है कर तो यहाँ पे चेंज हो जाता है। देखिए आई ई सी करके दिखा देता हूँ आपको, और ये नीचे टाइप यहाँ पे चेंज होता है नॉर्मल इन्वर्स, फिर उसके बाद यहाँ पे अलग अलग टाइप अलग आ जाते हैं। देखिए डी टी आ गया और नॉर्मल इन्वर्स आ गया, वी आई आ गया, ई आई आ गया है, और ये एल टी आई आ गया है, और पैरामीटर्स, तो ये यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं। यदि इसमें करो आप आई ई सी लेते हैं तो कैंसिल करते हैं इसको, और इसको हम एज ए डी टी यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट यहाँ पे डी टी की है। यदि आपके रिक्वायरमेंट चेंज करने के तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप हो गया, उसके बाद टाइम आपको कितनी देर बाद ये ट्रिप करना है, जब फाल्ट आएगा तो उसकी टाइमिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टी आ गया है, और उसके बाद यहाँ पे डिले 20x में रखना है तो उसकी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। डिले 4, देखिए आपको कौन सा डिले रखना है यहाँ पे वो आप रख सकते हैं। यह है हारमोनिक्स है, ये ऑफ किया हुआ है तो बैक बटन दबाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये स्टेज 2 है, ओवर करंट की स्टेज 2 है, और ये स्टेज 3, ये स्टेज 2 भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। डिफॉल्ट में 2.5 इंटू आई एन हमारा 600 है, 600 इंटू 2.5 जितना भी होगा तो ये देखो 600 मिनट लगा तो 1500 ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया है। तो ऐसे ही आप स्टेज 2 की सेटिंग कर सकते हैं। बैक बटन ये होम बटन का काम करता है, होम बटन जो होता है। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे तो देखिए ये स्टेज 3 है, ये भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी सेटिंग यहाँ पे 5 पे सेट है पहले से ही। उसके बाद देखिए आईओ, जिसको ग्राउंड फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट या आरईएफ में आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, यानी रेस्टिकेटेड अर्थ फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट और न्यूट्रल फॉल्ट एक ही होता है, इसकी सेटिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए देखें यहाँ पे 0.05 पे सेट है, यदि आपकी रिक्वायरमेंट इसको चेंज करने की यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आपको बताया था, ये देखिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके करके इससे फास्ट होगा, इन बटनों से अप डाउन से फास्ट चेंज होता है देखिए, और इससे स्लो चेंजिंग होती है, एक एक स्टेप पे चेंजिंग होती है देखें यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसमें ओवर करंट और फॉल्ट की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कर्व वही है, डी टी है, यदि चेंज करना है सेम ओवर करंट वाला ही है, आई सी है, आई ट्रिपल ई है, आई ट्रिपल ई टू है, आर आई है, प्रोग्रामेबल 1-2-3 है। यदि आप यहाँ पे डी टी चेंज करते हैं तो आई सी करते हैं तो यहाँ पे नीचे वाला जो है टाइप चेंज हो जाता है, ये वाला कर नॉर्मल इन्वर्स हो जाता है, डी टी हो जाता है, वेरी इन्वर्स हो जाता है, एक्स्ट्रा इन्वर्स हो जाता है, और एल टी आई हो जाता है, पैरामीटर्स में आ जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी करो आपको रखना है उस कर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रिप कर सकते हैं। और बाकी टाइम और ये इनपुट आईओ 1 है देखें यहाँ पे, और ये इन आई एन टी आर एम एस दिखा देगा, यहाँ पे डिले आ जाएगा, यानी जितने डिले में हमें ट्रिप हुआ है ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ग्राउंड फॉल्ट होता है आई ओ फर्स्ट स्टेज है, इसी प्रकार इसकी सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज, यानी कि सेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद ए आर है, ऑटो रिकलॉजिंग है, ये ओ बी जे टी है, और ये लॉजिक, जो लॉजिक बना रहता है उसके लॉजिक अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉजिक के अकॉर्डिंग ये काम करता है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। और ये बस है, और ये ऑप्टो, और ये डायग्नोस्टिक इसमें ये दिखाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ओवर करंट और फॉल्ट की सेटिंग इस रिले के अंदर कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो ऊपर जाने के लिए बटन दबा के रखेंगे तो आप इसमें ऊपर पहुँच जाएंगे मेजरमेंट मोड में। देखिए ऊपर दबाएंगे तो यहाँ पे होम आ गया, और दोबारा ऊपर दबाएंगे तो ये इसका मिमिक है जो इसमें डिफॉल्ट में बनाता है, और यहाँ पे करंट दिखाता रहता है पूरा। ये देखिए IL1, IL2, IL3 और IO1 यानी ग्राउंड फॉल्ट, ये तीनों करंट यहाँ पे दिखाता रहता है। तो इसकी मेजरमेंट की डिफॉल्ट स्क्रीन है ये वाली और ये वाली। तो इस तरीके से जब इसमें कोई करंट चलेगा तो आपको वहाँ दिखा देगा, अभी करंट भी आपको दिखाएंगे हम, करंट इसका टेस्टिंग करेंगे तो उसकी टेस्टिंग की वीडियो भी आपको बना के दिखा देंगे अलग से। तो आज के लिए तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि आप चैनल पहली बार विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।